हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस दिन सब कुछ सामान्य था। सेंटर पर मौजूद मेडिकल स्टाफ रूटीन मेडिकल काम में बिजी था। तभी दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना सपने में भी किसी ने नहीं की थी। एक, दो, तीन, चार, पांच करते हुए लोगों की लाशें और घायलों का अंबार लग गया। वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर, तीन नर्स, एक फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय ने हिम्मत जुटाकर खुद को संभालते हुए सीमित संसाधनों के साथ अपने कर्म के मिशन में जुट गए। सिकंदरा राव की दूरी फुलराई से बामुश्किल 5 किलोमीटर की है, जहां भगदड़ मची थी। सीएससी के एक स्टाफ ने हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया, दोपहर में करीब 2:40 पर एक आदमी कीचड़ से सने 3 बच्चों के साथ आया। जब हमने पुलिस स्टेशन फोन किया तो इंचार्ज ने कहा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अलर्ट रहो, मैं भी मौके पर मौजूद हूँ। डॉक्टर मनोज कटारा ने बताया कि लोग टेम्पो, ई रिक्शा, लोडर्स और बसों में बॉडी और घायलों को लेकर आने लगे। डॉक्टर ने बताया कि वो मंजर दहला देने वाला है, पहले कभी एक साथ इतनी लाशें नहीं देखी थी। पहले वार्ड, फिर बरामदा और फिर अस्पताल कैंपस की पूरी फील्ड ही शव और जख्मी लोगों से भर गई। हालात ऐसे थे कि एक नर्स तो मंजर देखकर ही बेहोश हो गई, लेकिन फिर पूरे स्टाफ ने हिम्मत जुटाते हुए काम शुरू किया। यह चेक करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन जिंदा है, कौन मर चुका। लाशों के बगल में रोते बिलखते परिजन भी मौजूद थे। स्थानीय नागरिक साहिल भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएससी से सभी स्ट्रेचर और बेंच घायलों से पटे पड़े थे। जब वहां कोई जगह नहीं बची तो घायल और मृतक जमीन में यहां वहां रखे गए। लोग बदहवासी की हालत में सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। सब लोग इधर उधर तितर बितर भागते नजर आ रहे थे। हाथरस सत्संग हादसे की तमाम ऐसी कहानियां सामने आ जा रही हैं जो रोने पर मजबूर कर रही हैं। उनमें से एक कहानी है दादरी गगन विहार निवासी मानसिंह की। मानसिंह करीब 20 साल से सत्संग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने दादरी के 25 से अधिक लोगों को सत्संग से जोड़ा भी है। सवारियों को ले जाने के लिए बस का इंतजाम करना और सभी को सूचना देकर सत्संग में ले जाना इन्हीं की जिम्मेदारी होती थी। मानसिंह खुद भी महीने के पहले मंगलवार को पत्नी सुमंत्रा के साथ सत्संग में जाते थे। इसके लिए सोमवार रात से ही वो बस से निकल जाते थे। मानसिंह की पत्नी सुमंत्रा की भगदल में दबने से मौत हो गई। मानसिंह का कहना है कि जीवन साथी के चले जाने से सत्संग में जाने का कोई मन नहीं करता। भगदड़ को सामने से देखने के बाद सत्संग में जाने की हिम्मत ही नहीं बची और आगे से किसी दूसरे को भी सत्संग से जोड़ने का कभी दबाव नहीं देंगे। आगे का जीवन मैं अपने परिवार और बच्चे के बीच ही बिताऊंगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।